आदरणीय प्रोफेसर मोहन गोपाल जी, आदरणीय सनी भाई, एनएसयूआई के सभी माननीय पदाधिकारीगण और आदरणीय साथियों, जेएनयू का अपना एक अपनी पहचान है और मुझे हमेशा जब भी जेएनयू में बुलाया जाता है, छात्र छात्राओं के बीच में मुझे आने का अवसर मिलता है, तो एक बहुत ही जागृत जीवंत छात्र समूह से चर्चा करने का इसे मैं अवसर मानता हूँ। पिछले एक साल में जेएनयू पूरे देश में चर्चा का केंद्र बिंदु रहा है। राष्ट्रीयता की बहुत बड़े पैमाने पर बहस चली। आज देश के जो हालात हैं, उससे आप सब परिचित हैं। ये जो कुछ हो रहा है, कोई ये बात नहीं है कि इसका हमें पूर्व आभास नहीं था। हमें पूर्व आभास था, लेकिन आज की जो विश्व की परिस्थितियां हैं, वहां एक बार फिर उस माहौल से हम लोग गुजर रहे हैं जिसमें कि राष्ट्रीयता की परिभाषा एक ऐसे केंद्र बिंदु बनाकर बताई जा रही है कि राष्ट्रीयता वही है जो एक समूह उसको परिभाषित करे। ये पहली बार नहीं हो रहा है, 30 के दशक में, 40 के दशक में भी ये बात सामने आई थी। जो हमारी परिभाषा ना माने वो अराष्ट्रीय है, गद्दार, देशद्रोही। और उसी माहौल में आज हमारे देश में, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे नेशनल डिबेट के माध्यम से हो, एक निश्चित रणनीति के तहत इस पूरे देश में राष्ट्रीयता की परिभाषा को एक संकुचित विचारधारा में ढालने का प्रयास किया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा एक अहम मुद्दा है और देश का कोई भी ऐसा नागरिक नहीं होगा जो कि राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कोई समझौता करने के लिए तैयार हो। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो कुछ घटनाएं आज देश की सीमाओं पर हो रही हैं, वो ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रही है। देश का जब बंटवारा हुआ, पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान दो भागों में बटा। इतिहास आपके सामने है। इतिहास में 70-71 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बांग्लादेश का गठन हुआ, लेकिन वेस्टर्न पाकिस्तान, जो कि आज पाकिस्तान का स्वरूप है, वो कभी भी उस जो हार हुई उसकी, उससे नहीं उबर पाया। कश्मीर का मुद्दा ऐसा रहा जिसे मुझे आपको ज्यादा उसका इतिहास बताने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सब यहां के छात्र जागरूक हैं, लेकिन इस आज की परिस्थिति में हम ये देखते हैं कि जो कुछ आज कश्मीर घाटी में हो रहा है, वो स्वाभाविक था जिस दिन पीडीपी और
भारतीय जनता पार्टी जो कि मूल रूप से हर सोच में विपरीत है, केवल सत्ता सुख पाने के लिए उन्होंने सरकार बनाई और कश्मीर घाटी में जिस दिन भाजपा के साथ समझौता हुआ उस दिन से एक विस्परिंग कैंपेन चला और कि जिस प्रकार इज़राइल को बसाया गया उसी प्रकार कश्मीर घाटी में भी इस प्रकार के बारे में विचार किया जाए। ये कहां तक सही था नहीं था मैं नहीं जानता, लेकिन एक क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस घाटी में पैदा। जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है हमने इन कश्मीर घाटी की घटनाओं को या सीमाओं की घटनाओं का कभी राजनीतिकरण नहीं किया। कांग्रेस पार्टी जब विपक्ष में भी रही है आंतरिक सुरक्षा के मामले में अभी तो आओ हमारे बीच हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिता जी मौजूद हैं। हमने कभी भी उसका राजनीतिक उपयोग नहीं किया, कभी भी किसी प्रकार का हल्के बयानबाजी हम लोगों ने नहीं की। लेकिन अगर आप देखेंगे यूपीए सरकार के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर आज के प्रधानमंत्री तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने निरंतर भड़काने वाले तीखे बयान वो देते रहे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अगर आप उसकी तुलना करेंगे कि दो सवा दो सालों में जब भी आंतरिक सुरक्षा का मसला आया है कभी भी कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं की और पूरे तौर पे राष्ट्रीयता के भावनाओं को अपनाते हुए हमने मौजूदा सरकार के साथ वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी हमने उनका समर्थन किया। सर्जिकल स्ट्राइक कोई पहली बार नहीं हुई, पूर्व में भी हो चुकी, लेकिन कभी भी कांग्रेस पार्टी ने यूपीए सरकार ने कभी भी उसका राजनीतिक उपयोग नहीं किया। कभी हमने पोस्टर नहीं लगाए जिसपे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी या सोनिया जी या राहुल जी को बताया कि हमने बड़ी बहादुरी की है क्या सर्जिकल स्ट्राइक की है। लेकिन अब जिस प्रकार से पोस्टर लगाए जा रहे हैं बैनर लगाए जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि शायद मोदी जी और मनोहर पर्रिकर जी ने और राजनाथ सिंह जी ने जाके शायद सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां से वो लौटे। इस प्रकार का जो राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है ये मूल रूप से उनकी वो जो आंतरिक राजनीति है जिसमें वो पूरे देश में पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन करना चाहते हैं उसका एक ही अंग है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं पाकिस्तान और हिंदुस्तान आज भी यदि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखेंगे तो हम लोग काफी पीछे हैं। जैसा अटल जी ने कहा था हम लोग हमारे पड़ोसी नहीं चुन सकते, वो हैं, वो वास्तविकता है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए और उस वास्तविकता को स्वीकार करते हुए हमें कोई रास्ता निकालना चाहिए। हम चाहे ना चाहे इस बात को हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और न्यूक्लियर पावर्स के बीच में समझदारी के साथ ही बातचीत होना चाहिए, समझदारी के साथ ही एक दूसरे के साथ व्यवहार होना चाहिए। आज जो हालात हैं दुर्भाग्यपूर्ण इसमें से मानता हूं
हम लोगों ने जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं उन पर जिस जवाबदारी और जिम्मेदारी से हमें व्यवहार करना चाहिए, मुझे इस बात का दुख है कि आज पूरा प्रिंट मीडिया हो या विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक चैनल के एडिटर तो साफ लगता है कि वो खुद जाके हमला करके वहां से लौटने वाले हैं। बात यही है कि पूरे आंतरिक सुरक्षा के मामले को इतने हल्केपन से देखा जा रहा है, जिसकी हमें इस देश के पत्रकारिता जगत के प्रमुख लोगों से उम्मीद नहीं थी। आज की परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच में बातचीत से ही मसले हल हो सकते हैं। आज फिर से एक नई बहस छिड़ गई है, पाकिस्तानी कलाकारों को फिल्मों के अंदर मौका मिले कि ना मिले, पाकिस्तानी गायक यहां पे आ सके कि ना आ सके। मेरा ये निश्चित मत है, अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में संबंध सुधारना है तो हमें दोनों देशों के बीच में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, बिजनेस टू बिजनेस कॉन्टैक्ट, कल्चरल आर्टिस्ट कॉन्टैक्ट बढ़ाने हो। कश्मीर की समस्या है, बुनियादी समस्या है, लेकिन यदि हम लोग बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जातियों की बात करते हैं तो क्या हमें कश्मीर के अंदर जो हो रहा है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? क्या उसके बारे में हमें चर्चा नहीं करना चाहिए? हमें हमारे प्रधानमंत्री जी को बलूचिस्तान के लोगों की बड़ी फिक्र है, लेकिन कश्मीर के घाटी के लोगों की 100 दिन हो गए कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट नहीं है, मोबाइल फोन काम नहीं कर रहे हैं, व्यापार ठप है, युवकों के बीच में उम्मीद नजर नहीं आ रही है। आज ही मुझसे एक निर्मला देशपांडे जी का एक संगठन था जो कि कश्मीर की घाटी में काफी काम करता था, वो मुझसे आकर मिले थे, चिंता व्यक्त कर रहे। आज यदि हम कश्मीर के मसले पर, हमें ये तय करना पड़ेगा कि हमको कश्मीर घाटी चाहिए कि कश्मीर के लोगों के साथ चाहिए कि उसके बिना चाहिए। क्या कश्मीर के लोगों को नाराज करके हम कश्मीर की घाटी को साथ रख सकते हैं? हमें विश्वास पैदा करना पड़ेगा। जब बाढ़ आई कश्मीर में, घाटी में आर्मी में बेहद अच्छे ढंग से काम किया, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जिस प्रकार के हम लोगों ने वादे किए थे, जो वहां पे फंड्स भेजने थे वो हम लोग नहीं भेज पाए, जिसकी वजह से हम लोग जो विश्वास पैदा किया जा सकता था वो अवसर हमने खो दिया। आज की परिस्थितियों में हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि किस प्रकार से आंतरिक सुरक्षा के मामले में हम लोग राजनीति इसमें ना आने दें, और भारत के 120 करोड़ के लोग एकजुट होकर एक स्वर से भारत की सुरक्षा के लिए हम लोग आवाज उठाएं। ये सबका साथ सबका विकास मौजूदा केंद्र सरकार के चुनाव का घोषणा पत्र में शामिल रहा, लेकिन जिस प्रकार से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लव जिहाद का, घर वापसी का, बीफ का और पाकिस्तानी कलाकारों के बारे में, जिस प्रकार से हर बिंदु को हिंदू मुसलमानों में बांटने का जो प्रयास किया जा रहा है,
इससे मूल रूप से हमारे मुसलमान भाइयों के मन में एक अविश्वास पैदा किया जा रहा है। क्या भारत में रहते हुए सरकार की तरफ से उन्हें जो सुरक्षा मिलनी चाहिए उसकी वो उम्मीद करे कि ना करे? अगर अल्पसंख्यक समुदाय और विशेषकर हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों में अपने स्वयं के भविष्य और सुरक्षा के बारे में अगर शंका पैदा हो गई, एक बार शंका पैदा हो जाएगी तो उसको फिर से विश्वास में परिवर्तन करना कोई आसान नहीं होगा। और यही सबसे बड़ा आज हमारे सामने प्रश्न है, सबसे बड़ी चुनौती है कि वो समूह जिसने आजादी की लड़ाई में हमारा साथ दिया, जो वो समूह जिसने की भारत के सेना में, भारत के सेना में लड़ाई लड़ते हुए पाकिस्तान का मुकाबला किया, शहादत दी, आज उनके परिवारों के मन में अगर उन्हें न्याय ना मिलने की शंका उनके मन और मस्तिष्क में पैदा हो गई, हमें इसे दूर नहीं कर पाए। आज यही सबसे बड़ा, मैं इसको खतरा मानता हूं, सबसे बड़ी चुनौती मानता हूं। आज मुझे इस बात का दुख है कि एक जेएनयू का छात्र 3 दिन से यहां गायब है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, वो भी दर्ज की जब बड़ी जद्दोजहद यहां के छात्रों ने की, माता पिता ने आके यहां पे एफआईआर दर्ज कराई। ये कैसा प्रशासन है जेएनयू का जो अपने छात्रों की सुरक्षा के तहत चिंतित ना हो, जो अपने छात्रों के प्रति, उनके से एक छात्र जो कि गायब है उसके प्रशासन के सिक्योरिटी ने रिपोर्ट की है कि उसके साथ मारपीट हुई है, उसकी लिंचिंग हुई है, उसके बारे में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, ये हमें सब चिंता का विषय है। मैं उसमें ये नहीं कहता कि वो मुसलमान था या उसमें हिंदू मुसलमान की कोई भावना हो, लेकिन ये चिंता का विषय है, चाहे हिंदू छात्र रहा हो, चाहे मुसलमान छात्र रहा हो या ईसाई छात्र रहा हो, कोई भी छात्र अगर गुम है, स्वाभाविक है कि केवल उसके माता पिता के लिए चिंता का विषय नहीं है, लेकिन पूरे 8,000 छात्र छात्राओं के जीव छात्र छात्राओं के लिए चिंता का विषय। आज उसके साथ घटना हुई, कल दूसरे के साथ भी हो सकती है, इसीलिए मूल रूप से आज आंतरिक सुरक्षा के मामले में हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि जो धर्म के नाम पर जो लोग धार्मिक उन्माद फैलाकर, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो धार्मिक उन्माद फैलाकर देश में राजनीति कर रहे हैं, उनसे हमें सामना करना पड़ेगा। अभी यहां पर कुछ दिन पहले दशहरे के अवसर पर हमारे एनएसयूआई के छात्रों ने रावण दहन किया, रावण दहन के अंदर कुछ तस्वीरें लगाई गई। मुझे बताया गया कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति का अनावरण हुआ तो जो लोग आज बड़े चिंतित हैं कि कैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का चेहरा लगा के उनका पुतला जल गया, तब उन्हीं लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का पुतला जलाया था, काले झंडे दिखाए थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का उदारवाद आप देख लीजिए, उन्होंने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह सोच था कि हम ऐसी यूनिवर्सिटी कायम करना चाहते हैं जहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जहां अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता हो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज प्रधानमंत्री को भी काला झंडा दिखाने की स्वतंत्रता यहां के छात्रों की है, और उन्होंने आमंत्रित किया था कि आप आइए मंच पर आके अपनी बात कहिए, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। लेकिन वो लोग जो हैं, जो केवल उनके संस्कार और संस्कृति में केवल पुतला जलाना या काले झंडा दिखाना लिखा है, वो बहस के लिए कभी तैयार होंगे भी नहीं। मैं आपसे अनुरोध यही करता हूं, आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम किस प्रकार से इस पूरे देश में जो आंतरिक कलह पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है,
जो धर्म के नाम से बांटा जा रहा है, चाहे हिंदुओं द्वारा, चाहे मुसलमानों द्वारा, या सिखों द्वारा, ईसाइयों द्वारा, इन सब से हमको मुकाबला करना है, क्योंकि हम आज सबके सामने देश प्रथम है, वी आर इंडियंस फर्स्ट, वी आर हिंदूज, मुस्लिम और क्रिश्चियंस।